प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। सवैया छंद गुण की परविरतन ते रहतन ना, भिन्न लखै निज निर्गुण सोए। हुण जिहड़ा निर्गुण दा कथन है, ये निर्गुण किहनूं कहिंदे ने? जिहड़े गुण ने आ तमो गुण है, रजो गुण है, सतो गुण है। जदे चेतन गुणा की प्रवृत्ति तो रहत है ते अपने आप नूं वखरा समझदा है, तद तक वो निर्गुण कहाउंदा है। जबै तिरगुण मैं चेतन अपन पो, लख अज्ञान ते सरगुण होए। जदों ये चेतन तीन गुणा नूं ग्रहण करता है, आपां जीव हाँ, सो इसे प्रकार ब्रह्म दे विच भी निर्गुण ब्रह्म उहदा नाम है, जिथे ना माया ना तिन्ने गुण। बाकी दे विस्तार की इत्थे लोड़ ही नहीं है, क्योंकि जो माया ही आ गई, तीन गुण आ गए उहदे, इन्हां दे संयुक्त जो हुंदा है चेतन, चेतन तो भाव ब्रह्म की लाइट पैंदी है, तां उह जिहड़ा सरूप है वह सर गुण गुणा दे समेत। पहला कहा सी निर गुण, जिहड़ा तमो रजो सतो ते माया तो रहे तो निर्गुण परमेशर है, नज़र नहीं आउंदा। सर गुण है जदों तिन्ना गुणा नू माया संयुक्त बनता है, चेतन दे विच आभास पैंदा इन्हां दा, तां इहनू आपां कहिंदे सरगुण परमेशर है। इह नाशवंत आकार पछानो, निराकार अबनाशी जोए। इत्थे भी उहदा ही कथन कीता है कि जिहड़ा नाशवंत है, दृष्टमान है सगल मथेना, ये जितना भी नज़र आउंदा है आपां नू रजो तमो सतो इन्हां करके, पंजां तत्तां करके, माया करके, क्योंकि आकार नज़र आउंदे ने जिन्ने भी, ये सारे आकार मिट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। जिहड़ा इन्हां विच वास्तव च असली चीज़ है सारिआं विच, वो ब्रह्म है। इस करके ब्रह्म दे नाल प्यार करो, ब्रह्म अविनाशी है। जिवें महापुरश बाबा सुंदर सिंह जी खालसा नूं सिंघां ने कहा, कहिंदे जी साडा एक विचार है, ये सिंह कहिंदा कि तुसीं मैनूं प्यार करदे हो बड़ा, वह कहिंदा मैनूं बड़ा प्यार करदे ने, तीजा कहिंदा मैनूं बहुता करदे ने, सानूं इउं क्यों लगदा रहिंदा? महापुरश कहिंदे भाई मैं ब्रह्म दी जोत नूं प्यार करदा हाँ, तुसीं ये ना समझा करो कि मैं किसे च बखरेवां देखदा हाँ, मैनू थोड़े सारयां च इक्को ही जोत नज़र आउंदी है। इस तरह सतगुरु आपां नूं सारयां नूं प्यारे लगदे ने, क्योंकि सतगुरु अपने विच ब्रह्म जोत देखदे ने। इस तरह सतगुरु महाराज कहिंदे अविनाशी जिहड़ा है ना वाहेगुरु, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जां की शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई। ऐसा जो अविनाशी है उहदा सिमरन करिया करो। कवि संतोख सिंह कै सतगुर जे, सार ग्रहण बिन सार सा कोए। हुण कवि जी कहिंदे ने भाव के सतगुरु जी ने कहा, कहें सतगुर जी सार ग्रहण कीते तो बिना, सार की आत्मा है, इहनू ग्रहण कीते तो बिना यह जिहड़ा अपना तत् है इहनू आपे ही खत्म कर लैंदा जीव, क्योंकि अपने आप नू जदों जीव समझ नहीं सकिया हुण तक मैं कौन आ, जदों ये नहीं समझ सकिया कि मैं आत्मा हाँ, उदों तक अपने तत् नू खो लैंदा है। तन इंद्रै मन प्राण अनात्म, ये जिहड़ा अनात्म जिहनू आपां कहिंदे आ शरीर है, इंद्रियां ने, मन है, प्राण है, ये अन आत्म आत्मा तो जिहड़ियां बखरेवें वालियां चीजां हन। हाए हे लखो आकार अज्ञान सहत तम, सो ये जिहड़ा आकार दे सहत है ये अनेरा है। तो इस प्रकार जिन्ना कुछ आकार नज़र आउंदा है ये आपां नूं अज्ञानता करके नज़र आउंदा है,
वास्तव दे विच जिवें एक प्रमाण दिंदे ने कि अलंकार मिल थैली होई है तां ते कनक वखानी बहुते गहने आपां नूं दिखदे ने वक्रे वक्रे गहने सुनियारे कोल लै जाओ गहने वह नहीं देखता ये गहने ने वह तो सारे कसवटी ते ला देने ने कसवटी ते ला के परखने ने उन्हें एक गल कहनी है कि सोना खरा है वह नहीं कहता कि कांटा खरा है ये छांप खरी है वह नहीं नौ लवेगा वह कहेगा ये सोना 22 कैरट है 23 कैरट है 24 कैरट है वह उन्हूं सोना गिणदा है ये जिहड़ा आपां गिणदे हां आपां गहने गिणदे हां इस प्रकार जिहड़े रब दे प्यारे ने सो वह तो गिणते ने कि सारिआं विच ब्रह्म है जिहड़ा आम बंदा है वह कहिंदा आ हिंदू है ये मुसलमान है ये सिख है ये ईसाई है ये फलानी कौम का ये काला है पीला है ये पंछी है पशु है उहदी निगाह विच वखरेवा है। ब्रह्म ज्ञानी हो के भाई कन्हैया सिंह जी ने कोई नहीं गिणिया कौन है पहाड़ी नूं भी पाणी पिआउंदे ने फिर मुसलमानां नूं भी पाणी पियाई जांदे ने विचे सिंघां नूं पियाई जांदे ने फिर एक अवस्था बन जांदी है। निरंकार साखी ब्रह्मात्म वो जो निराकार परमेश्वर है साक्षी रूप है साक्षी रूप वो पहला भी आप समझ चुके हैं इस गल नूं क्योंकि जेड़ा आपां नूं जागदिआं होइआं हुण यह दसदा कि वह सामने की है अंदरों ज्ञान हुंदा आपां नूं जे अंदरों ज्ञान ना होवे बाहरली चीज की समझ नहीं लगती वो जेड़ा विश्व अभिमानी किया जिहनूं अते जेड़ा सुपना दिखाउंदा आपां नूं क्योंकि जागदिआं तां आपां अक्खां नाल देखिआ है ते सुत्तिआं पिआं किहड़ियां अक्खां नाल सुपना देखदे आं उदों आपणी अक्खां तां बंद हुंदीआं ने वह जिहड़ा सुपना दिखाउंदा है वह अंदरलियां अक्खां देखदियां ने वह भी साखी है ते जिहड़ा यह दसदा कि मैनूं अज सुपना आया ही नहीं कोई ये तीजी चीज किहड़ी आ वह अख किहड़ी आ जिहड़ी कहिंदी मैनूं सुपना नहीं दिखिया वह भी ब्रह्म ही है। इस करके जिहड़ा साखी रूप अकाल पुरख वाहिगुरु आत्मा साडे अंदर है ना ये ब्रह्म आत्मा है ये अपना स्वरूप है। निरंकार साखी ब्रह्मात्म आपन पो जाने जो अनात्म जेड़ा बंदा ये समझदा है आत्मा नू अपना आप आत्मा ना समझ के अपने आप नू अनात्मा समझदा है कि ये काम मैं कीता है ये मैं करांगा इन्हां जिहां गल्लां जेड़ा करदा है उहनू ये नहीं पता कि अंदर जे आत्मा ना होवे आप जेड़ा अपने आप नू कहिंदा मैं बड़ा भलवान है मैं बड़ी वड्डी कुश्ती कर सकदा हरेक नूं ढा सकदा हाँ महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने प्रभ की कला बिना कह धावै दस भी जे तेरे चो जोत कढ ली रब ने फिर तू की करेगा। इस करके अग्ञानी बंदा अपने शरीर नूं ही आत्मा समझी बैठा है अते असली जिहड़ी आत्मा है इहनूं आपां भुल्ले बैठे हाँ यही साडा वड्डा अग्ञान है इसे गल नूं दूर करना है। सूरठा चित ब्रह्म निज लख नाए सो आकार निरकार नै सो इस करके कहिंदे ने चित दे विच निज स्वरूप नूं ब्रह्म नहीं जानदा है क्योंकि वह अकाल पुरख ना तो आकार है आकार विच भी नहीं क्योंकि इसे पर वह तो है निराकार ते निर्गुण वह अकाल पुरख जो वाहेगुरु है निरअकार निरकारण निर्गुण ओदा ये रूप है पर यह जेड़े जीव ने यह उस अकाल पुरख की जी बख्शिश अपने ते आत्मा है अपने अंदर वह आत्मा परात्मा एको करै अंतर की दुविधा अंतर मरै दुविधा तो अंदर ही मर जाती है ये ज्ञान है। जे अपन गुरुद्वारे आई गए रोज आई जाओ 50 साल आई जाओ जे आप ना समझ सके कि आत्मा की है तो साड़ी शरीर की चीज़ है बुद्धि की है प्राण की है इन्हों तो बिना जीव नू ज्ञान नहीं हो सकता। कियो अपन पो नाए बिसर परयो जो आप हे तो इस करके कहने अपना आप ना खुद ही भुलिया बैठा है असी कहने इनू कद कहा कि तू अपना आप भुल
ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੇਰਾ ਈਸ਼ਰ ਮੂਰਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਹਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਵੈਸੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਐਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰੇ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਬਈ, ਲਿਖੋ ਅਲਫ ਜਾਂ ਲਿਖੋ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਭੋ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕ ਇਤਰ ਗੁਰ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਏ ਬਵੇਕ ਵਿਰਾਗ ਮਮੁਕਤਾ ਤੀਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਮੁੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੱਟਦਾ ਚਤੁਰਤ ਸਮਦਮ ਚੀਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੱਟਦਾ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰਤ ਤਿੱਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉਪਰਤ, ਉਪਰਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਤੀਕਸ਼ਾ,
एक होंदी सिख दे अंदर श्रद्धा समाधान चातुष्ट धरै, एक होंदा समाधान, इन्हां नूं गिणना चार ही है, एक विवेक, एक बैराग, एक ममोक्षु होवे, ते ये छे चीजां जिहड़ियां कट्ठियां गिणियां एक विच गिणदियां ने, इन्ना कुछ एक सिख दे अंदर होवे तां उह उत्थे दे लायक हुंदा, गुरु दे कोल सिख्या लैण वाला तां बणदा है। सिख सोई लख लै कल्याण, सिख उह है जेड़ा अपनी कल्याण चाहे हमेशा, अपर दे पे पोखन के जान, ओ जेड़ा अपनी कल्याण लैंदा है पालवेगा कल्याण, क्योंकि वह लायक है इस गल दे। बैराग जिथे विद्यार्थी ने पढ़ना है उथे बुद्धि है, वह अंदर विद्यार्थी च पढ़न की मेहनत भी करता है, हिम्मत भी रखता है, रात भर जागदा, उन्हूं तां आपां कहांगे ये हो जाएगा, ये फस्ट आएगा। तो जिहड़ा सुत्ता ही रहिंदा है उन्हूं की कहांगे, वह कहिंदे वह इहा जिहा अपर दे पोखन के जान, बाकी दे सिख तां इउं जाणो जिवें दे पाल दे, बस रोटियां खा के, दुध पी के, होर चीजा खा के, सिर्फ देही नूं पालन वाले ही सिख हन जिन्हां कोले चार चीजा नहीं हन। ओए विचारात्म अनात्म, हुण कहिंदे ने उपदेश किहनूं कहिंदे ने, इह जिथे अनात्म ते आत्म दा विचार मिले, उपदेश जिहनूं सतगुरु कर देण, ज्ञान स्वरूप पाए उर आत्म, जिहड़ा ज्ञान स्वरूप नूं प्राप्त कर लवे जिस विच आत्मा अनात्मा दा विचार होवे अते स्वरूप दे ज्ञान नूं पा के अग्ञान दा नेरा दिल विचों दूर हो जावे, उहनूं कहिंदे ने मैनूं उपदेश मिलिया। वी की उपदेश मिलिया? मैनूं इह गुरां ने कहा कि आत्मा ही असली चीज है, अनात्मा तो दूर रहो। सिख के नाशे बंद कलेश, फिर जिहड़ा सिख है यह उपदेश लैंदा है, इहदे नाल फिर इहदे जिहड़े बंधन ने सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है, तां इहदे बंधन कट्टे जांदे हन जदों अपने आप नूं आपां इह समझां कि मैं आत्मा हां। तिसको नाम भने उपदेश, इहदा नाम है उपदेश, बिमल ज्ञान दे गुर भव हाना। हुण इक हुंदी आ दीक्षा देनी, सिख्या ते इक दीक्षा, सिख्या तां होगी उपदेश, दीक्षा की हुंदी है? बिमल ज्ञान दे, बेमल हुंदा मल मैल तो रहत, जिहड़ा ज्ञान सतगुरु दिंदे ने ते उहदे मन दे अंदरों अज्ञान दूर करके संसार सागर तो तारदे ने, इसे नूं ही कहिंदे हन। ए दीखिया सब कष्ट मिटाना, यही दीखिया है जो निर्मल ज्ञान गुरु दे के जन्म मरण दे सारे कष्ट मिटा देवे, यही दीखिया है। मंत्र श्रोमणी कै सतनाम, जिसके सिमरण लै सुख धाम। हुण कहिंदे जिहड़ा गुरु साहब ने आपां नूं मंत्र देना है, पहलां तां कथा च बिठा के उपदेश दिंदे ने, फिर पंज प्यारे आपां नूं दिंदे ने, दीखिया, सिख्या, उपदेश, पंजां प्यारां तों गुरु राहीं मंत्र मिलदा है। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਮ ਘਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਵਾਕ ਤਤਮਸਮੀ ਜੁਏ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਸੁੱਖ ਧਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਤਮਸ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਵਾਕ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਵਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ,
कौन भले को मंदे। इस करके महाराज सानू ये अद्वैत का उपदेश देंदे ने कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुर हाई। तो है ब्रह्म सुने सिख सुए। हुण ये सिख सुनदा है सतगुरु इहनू एक तां अद्वैत का उपदेश देंदे ने कि आपां भाई सारे एक हाँ। पहला तो उहदे मन दे चों ईरखा दुबधा द्वैश कढ के दरियां बिछा के ते सोहणियां चादरां बिछा के एक जिहा सारिआं नूं बैठण नूं कहिंदे कोई राजा आ जाए कोई कंगाल आ जाए अमीर आ जाए गरीब आ जाए छोटा आ जाए वड्डा आ जाए सारे इक्को जिहे थां ते बैठो भाई भाई सारिआं दा इक रब है अपना। या उहदा उपदेश जिहड़ा कहिंदे अद्वैत हुंदा अद्वैत दा उपदेश करके फिर सिख नूं इह कहिंदे तूं ब्रह्म है इउं जाण। मैं ब्रह्म हाँ जी मैं किवें ब्रह्म मैं तां जीव हाँ यही तो तेरी गलती है। जिमें प्रमाण देणगे फिर उन्हों कहने जिमें कोई शेर नहीं सी वो बच्चे नूं जन्म दे के आप चढ़ाई कर गई बहुत छोटा जा बच्चा अखां भी नहीं खुलियां हाले शेर नहीं मर गई उधरों कितें भेड़ां चारन वाला अयाली आ गया वह बच्चा सोहना जा देख के चुक लिया भेड़ां दा दुध पिया पिया के पालिया वड्डा हो गया भेड़ां विच ही तुरिया फिरिया करे घा जा खाण लग जे कित्थे। एक दिन शेर खड़ा सी उच्चे टिले ते उन्हें देखिया भेड़ां विच मेरा बेटा ये तो साडा बच्चा लग जा शेर बच्चा भेड़ां च कित्थों चलिया गया। उस वक्त जाके शेर ने भबक मारी भेड़ां भज गईआं शेर ने मार के छाल आ के बच्चे नूं घेर लिया। ओए तू शेर का बच्चा हो के भेड़ां च तुरिया फिरदा कहना ना जी मैं तो भेड़ हाँ। वह कहने नहीं तू शेर हाँ कहना ना जी मैं तो भेड़ हाँ। कहने चल पानी के किनारे चल पानी के किनारे ले जा के खड़ा कर लिया कहने देख अपनी शकल देख मेरी देख रलदी है ना कहना हाँ जी रलदी तो है कहने भेड़ा की शकल रलदी तेरे नाल कितें कहना नहीं जी कहने हुण तैनूं भबक मारनी सिखाउणा मैं भबक मारनी सिखा दित्ती कहने जा उन्हां भेड़ां विच जाके भबक मार। जदों उन्हां भेड़ां विच जाके भबक मारी भेड़ां भज गईआं याली भज गया कहने वो इहनूं की होया उहदे अंदर शेर भावना नूं पैदा कर दित्ता वह जिहड़ा कहना सी मैं भेड़ हाँ उन्हूं शेर बना दिता गिदड़ों शे मैं शेर बनाऊ तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। वह अमर छका के कहो खालसा तू कित्थे तुरिया फिरदा इन्हां संसार दे लोकां दे विच जब लग खालसा रहा न्यारा तब लग तेज दिऊं मैं सारा तू क्यों इधर उधर तुरिया फिरदा तू बब्बर शेर गुरु दा तू आत्मक सिख आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाही भेव। आपा इको ही रूप है खालसा मेरा रूप है खास खालसे में हों करो निवास। कहने खालसा मेरा सतगुरु पूरा खालसे नूं सतगुरु कहा खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरी शान की शान आन की आन सारा कुछ ही तू ही है खालसा। या सतगुरु ने जदों आपां नूं जणाया अच्छा असी इन्ने वड्डे हैं असी ब्रह्म रूप है महाराज कहने होर तू आप ब्रह्म है पर तू अपने आप नूं इह गिदड़ क्यों जानी जाना ये भेड़ क्यों समझना। इस करके महाराज कहने जे भिखारी बन के जनक राजे ने सुपने अंदर दुख पाया फिर जदों ज्ञान हो गया कहने हाँ भी मैं है तां राजा ही बंदा आत्मक तौर ते अपने आप नूं देखो भई तू कौन है मैं जी ब्रह्म बस इत्थे गल खड़नी है पर इह अभ्यास नाल गल बननी जे आपां ऊं ही लोकां च कहीए कि मैं ब्रह्म हाँ फिर तो मार खाने वाली गल हो जानी है। पर आपने अभ्यास कर करके कर करके सारिया चीज़ों तो न्यारे हो के ब्रह्म रूप होना है अंतम जाके अखीर ते जिवें बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुवैर जी होए बाबा बुढ़ा जी होए भाई विधि चंद जी होए ये बब्बर शेर ने गुरु कर दे अहंग ब्रह्मस्मी बोर उचारे। फिर सतगुरु जी नूं महावाक उचारण करके दसदे अहं ब्रह्मस्मी इस प्रकार के वाक कहने ने कि भाई तू आप ही ब्रह्म है महावाक के मंत्र सुधारे। फिर इस महावाक नूं ही मंत्र धारण करदा है लय प्रकृत सतगुण दिज जात। हुण वर्ण किवें बणदे ने वर्ण आश्रम दीआं गंढां एक तां कुदरती तौर ते खत्री ब्राह्मण सूद वैस बणे ने एक कुदरती बनते ने एक बनते ने कर्म करके जिमें कर्म करके कोई बंदा
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਖਰੀ ਚ ਕਿਹਾ ਅੱਖਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤ ਉੱਤਮ ਗਨੋ ਚੰਡਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਡਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਕਰਮ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਦਸ ਸਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਾਜ ਮਿਸਰ ਛਤਰੇ ਭਾਂਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵਰਨ ਲਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸਤਗੁਣ ਦਿਜ ਜਾਤ, ਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਰਾਜ ਮਿਸਰਤ ਛਤਰੀ ਭਾਂਤ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਪਰਸੈਂਟ, ਸੌ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਜ ਤਮ ਲੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਨ ਬੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਲਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਲੇ ਥਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨੀਚ ਆਦਮੀ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਈ ਮੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਾਰ ਵਰਣ ਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਣ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਅਥਵਾ ਵਰਣ ਦੋਏ ਸਠਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਥਵਾ ਵਰਣ ਦੋਏ ਸਠਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਰਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦ ਅੰਤ ਚੰਡਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਜਾਣੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ